गया हुआ कालिया नांग आया, अकान से चिपट गया। भगवान ने सोची अब तो हम फंसे गए। लेकिन भगवान ने जैसे ही अपना शरीर मोटा किया, काली नांग घबरा कर काली दूर हुआ मन मोहन ने तब हाथ किया। जो अभिमान में खड़ी थी दोनों आकर भगवान के चरणों पर लेट गई। प्रभु क्षमा करना मुझे, मैं नहीं जानती थी कि तुम छोटे जरूर हो बड़े खोटे हो। अरे मैं तो यही जानती थी कि तुम साधारण से राजकुमार हो, लेकिन आज समझ में आया कि तुम नारायण हो। लेकिन मुझे माफ करना, हम तो तामसी जीव हैं, क्रोध करना ये मेरा स्वभाव है। मुझे और मेरे पति को क्षमा कर दो। कन्हैया बोले क्षमा कर देंगे, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। काली जैसे कमल के फूल और गेंद लेकर आओ। दूसरी शर्त यह है कि इस जल को छोड़कर तुम सब रमरक द्वीप के लिए चले जाओ। कालिया नांग बोला प्रभु मैं चला जाऊंगा तो गरुड़ देव खा लेंगे। जवाब दिया तुम्हें कोई देव नहीं खाएंगे, क्योंकि अब तुम हमारे देव हो गए हो। आज से सब लोग तुम्हारा पूजन करेंगे, क्योंकि जिसके ऊपर मैं मोहर लगा देता हूं फिर व्यक्ति संसार में पूज्यमान बन जाता है। लोग उसे पूजते हैं, उससे शस्त्रता खत्म कर देते हैं। तुम्हारे फन पर मेरी मोहर लग गई। गरुड़ तो क्या, गरुड़ के पिता भी नहीं खाएंगे तुम्हें। जा नागनिया दौड़ी, नांग तो फूल तोड़ करके लाई, गेंद ढूंढ करके लाई, भगवान को दिए। और भगवान काली नांग के फन पर सवार होकर के जैसे ही ऊपर के लिए चले, और भगवान को ग्वाल वालों ने देखा, सब नाचने लगे। कन्हैया आ गए और ग्वालों को नाचता हुआ देखा तो भगवान फन पर नृत्य करने लगे।